वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साढ़े कल एक मामला जिहड़ा है वह ध्यान च आया कि अमेरिका दे विच एले दे विच सिख बुक क्लब दे एक थमिंदर सिंह कोई आनंद ने उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे पावन पवित्र स्वरूप नूं पबलिश जिहड़ा है वह किया ऑनलाइन मुहैया जिहड़ा ईमेल राही करवाया और ये भी पता लग गया कि वो प्रिंट भी कर रहे हैं और उस पावन स्वरूप दे विच बहुत सारिया जिहड़ियां ने वो गलतियां कीतियां जा रही ने, खास तौर दे उत्ते बेलोड़ियां जिहड़ियां ने, बिंदियां जिहड़ियां ने वो लगाईयां जा रही ने। एक किस्म दा गुरबाणी दे नाल छेड़छाड़ है जिहड़ी सिख संगत किसी भी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त नहीं करेगी। इस व्यक्ति वालों पहला भी चाइना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप जिहड़े है वो छपवा के ते उसनों कनाडा ते अमेरिका दे विच जिहड़ा इसने भेजा सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इहदे उपर 295A दे तहत FIR जिहड़ी है वो दर्ज कराई सी, जिहदा नंबर 228 मिति 28/11/2014 थाना ई डिवीज़न श्री अमृतसर साहब दे विच। और उस इहदे ते जिहड़ा परचा होया सी इहदे अगेंस्ट ये जिहड़ा बंदा जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच चला गया सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोई अधिकार नहीं कि मैनूं पावन स्वरूप छापण तों रोके। तो हाई कोर्ट दे विच इहदी जिहड़ी रिट हैगी, पटीशन जिहड़ी हैगी है 5834/2015 नूं उहदे तहत मुकदमा जिहड़ा है वो चल रहा है ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो पैरवी कर रही है। हुण इहने नवां जिहड़ा ये काम किया हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आप सरूप उत्थे छाप के, सब तो वड्डी गल कि इहने उस सरूप दे विच बहुत सारिया बिंदियां जिहड़ियां ने वो लगा दित्तियां ने। और ये भी पता लग्गिया जानकारी जिहड़ी साडे कोल पहुँची है कि इसने मंदावनी तो बाद एक पेज खाली छड्ड के उस तो बाद जिहड़ा है वो रागमाला नूं छापिया। ये जिथे पंथक मर्यादा की उलंघना है, सिख रहित मर्यादा की उलंघना है, उत्थे श्री अकाल तख्त साहिब वालों जिहड़ा 2003 दे विच फैसला होया सी उहनूं सीधी चुनौती है। उत्थे ये गुरबाणी की प्रमाणिकता ते भी एक किस्म का है वो हमला है, क्योंकि जे इस तरह ही सारे जिहड़े ने पावन स्वरूप अपनी मर्जी नाल वाध काट के छापन लग पए तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की प्रमाणिकता जिहड़ी है वह की रहेगी। और इस तरह अमेरिका दे विच ही एक गुरबाणी उच्चारण सिद्धां दे नाम दे उत्ते पहला भी एक व्यक्ति वालों जिहड़ा पोथियां जिहड़ियां ने, संचियां जिहड़ियां ने छापियां जा रही ने, जिहदे विच लगा मात्रावां जिहड़ियां ने वो हटा दित्तियां गईयां ने। सिहारी ब्यारी जिहड़ी है सिहारियां खास तौर दे उत्ते और अखरां नूं लगे अंकड़ जिहड़े ने वो हटा दित्ते गए ने। तो उस वक्त भी श्री अकाल तख्त साहिब वालों उस उपर जिहड़ा वो रोक लाई सी, वो अंकार सिंह नाम का एक व्यक्ति है वो दे उपर रोक लाई सी, लेकिन यह भी जानकारी मिली है कि रोक लाउण दे बावजूद श्री अकाल तख्त साहिब वालों वो अपना काम जिहड़ा निरंतर जारी रख रहे हैं। मैं समूह सिख जथेबंदियों नूं, सिख संप्रदावां नूं, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां नूं, खास तौर दे उत्ते जिहड़ियां अमेरिका दे विच बैठियां ने उहनां नूं मैं ये जरूर कहना चाहांगा कि सुचेत होवो, सावधान होवो। अमेरिका कनेडा दे विच या कितें भी होर कंट्रियां दे विच या इंडिया दे विच भी जे कितें कोई अजिहा किसी किस्म का कोई कार्ज करता है तो उसनों तुरंत रोकण दे विच श्री अकाल तख्त साहब का सहयोग दिता जाए, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब जी की फोर्स, श्री अकाल तख्त साहब जी की जिहड़ी सेना है वो गुरद्वारा कमेटियां ने, सिख जथेबंदियां ने, संप्रदावां ने वध तो वध गिनती दे विच इस जिहड़ा घिनौना काम होया इहदे खिलाफ दुनिया भर दीआं सिख संगतां जिहड़ियां वो जोरदार मुहिम विढ़न तां कि भविख दे विच कोई अजिहियां जिहड़ियां कोचियां हरकतां जिहड़ियां वह ना कर सके। मैं इस सारीआं संगतां नूं अपील करदा अकाल तख्त साहिब वालों कोई एक्शन कीता जा रिहा। श्री अकाल तख्त साहिब वालों एक इस तरह के मामलों नूं नजिठण वास्ते कमेटी जिहड़ी है बनी है ते उस कमेटी नूं जिहड़ा दुबारा केस जिहड़ा है वो हैंडओवर कर दिता है, ये केस भी जिहड़ा हैंडओवर कर दिता है। श्री अकाल तख्त साहिब वालों सख्त तो सख्त कार्रवाई जिहड़ी है इस व्यक्ति उपर जरूर की जाएगी। पर मैं फिर ये अपील करदा कि श्री अकाल तख्त साहिब कार्रवाई करेगा, लेकिन वो कार्रवाई अमल दे विच सिख जथेबंदियां, संप्रदावां और गुरद्वारा कमेटियां दे सहयोग दे नाल ही आउणी है। वध तो वध संगतां सहयोग करन तां जो असी इस काम नूं जिहड़ा है जिहड़ा
मनमती काम हो रहे हैं, बड़ा गलत काम हो रहा है, इनू असी रोक सकी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।